वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बी टाउन में इन दिनों बायोपिक का ट्रेंड सा चल रहा है। संजय दत्त और मैरी कॉम जैसी हस्तियों की बायोपिक रिलीज होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में मोदी का रोल बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने अदा किया है। मूवी को फिल्म समीक्षकों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर धमाल मचाएगी। फिल्म की कहानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी और राजनीतिक जीवन को बखूबी दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक चाय बेचने वाला बच्चा एक दिन देश का प्रधानमंत्री पद संभालता है। मोदी के बचपन से लेकर जीवनी तक, काम से लेकर ज्ञान तंत्र का भी जिक्र किया गया है। फिल्म में कहीं ऐसे मौके आते हैं जब मोदी को समझ नहीं आता कि आखिर वो कौन से रास्ते का चुनाव करे। ऐसे में उनकी माँ उन्हें सही मार्ग दिखाती है। फिल्म में यदि आप विवेक की पहली झलक देखेंगे तो आपको वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह नहीं लगेंगे। हालांकि कुछ समय बाद दर्शक विवेक को मोदी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उमंग कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म में अमित शाह और मोदी की जोड़ी का भी तालमेल दिखाया गया है। मोदी और शाह को फिल्म में यूं कहे तो जय वीरू के रूप में डायरेक्टर ने पेश करने की कोशिश की है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि छोटी उम्र में मोदी ने आखिर क्यों सन्यासी बनने का रास्ता चुना था तो ये फिल्म जरूर देखें। फिर कैसे वह धीरे धीरे राजनीति में आए ये जानने के लिए भी आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। यदि आप अगर मोदी फैन हैं तो सिनेमाघरों में जाकर जरूर इस फिल्म का मजा लें।